ऑफिस के सब लोग तुम्हें मुबारकबाद देने आए हैं। हाय पापा। जीते रहो। चाची जी। अरे बस बस बेटा, मुबारक हो, बहुत मुबारक। चाची जी अकेले आए हैं भैया? हाँ, क्यों कोई और आने वाला था? नहीं। चलो लेट्स ऑल प्रोसीड टुवर्ड्स होम। चलो आ जाओ बेटा। चल बैठ। जी भैया। भाभी सचमुच बोलो, मैं छू के देख लो। I can't believe this, भाभी। I mean, पूनम यहाँ पर आई कब? आप लोगों ने ये सब प्लान कब किया? ये इनका आइडिया था, पूनम को यहाँ बुलाने का। क्या बात है भैया, क्या बात है। भैया आपके चरण कमल कहाँ हैं? आपके चरण कमल छूकर मैं वो कृत्य। Exactly, वही होना चाहता हूँ। बस बस, पहले आप अपना स्थान ग्रहण कर लें और अपनी भावी अर्धांगिनी के साथ यथा योग्य वार्तालाप करें। अवश्य अवश्य। ओह, आई जस्ट लव दिस लैंग्वेज। नौटंकी, पापा ने आज घर पे फंक्शन रखा है तेरी कामयाबी और पूनम की पहली बार घर आने की खुशी में। पापा। अरे आइए आइए मिस्टर डिसूजा, हाउ आर यू? हाउ आर यू? प्रेम के फादर इन लॉ। दोस्तों, आज मैं सातवें आसमान पर हूं। मेरे बेटे ने एक कामयाबी अपने बूते पर हासिल की है। इसके चेहरे पर जो आप चमक देख रहे हैं वो और कुछ नहीं, मेरे दिल की खुशी का रिफ्लेक्शन है। और इस कामयाबी का, इस खुशी का श्रेय मैं उन दो कदमों को देता हूं जो आज पहली बार हमारे घर में पड़े हैं हमारी इस नई बहू के रूप में। खाने के मामले में हमारे कृष्णकांत जी वर्ल्ड के बेस्ट शर्मिले हैं। चलो चलो पकौड़े दो इनको। अरे नहीं, अरे नहीं, नहीं, नहीं से काम नहीं चलेगा कृष्णकांत जी, हम सब जानते हैं कि ये आपकी फेवरेट डिश है। पूनम इधर दो, इधर दो बेटा। अब ना नहीं कहना समधी जी, हमारी बहू परोस रही है। पापा पूनम के जाने का वक्त हो जाएगा, एक बार इसे पूरा घर तो दिखा दे। हाँ हाँ बिल्कुल जरूर। आओ पूनम। डैड मैं अभी आता हूँ। अरे देखा, क्या ये वही लड़का है? अरे नहीं, मैं तो यही बैठा हूँ डैड। बैठो बैठो, मैं आता हूँ। अरे सुनो। पूनम, शादी के बाद ये हमारा कमरा होगा। चाचा चाची की ये फोटो मैंने सोम सरोवर में चुपके से खींची थी, खास इस साइड टेबल के लिए। पता है पूनम, कभी कभी क्या हो? कुछ नहीं। तो बता क्या सोच रहे थे तुम? पूनम हमेशा मैं क्या सोचता हूं, क्या महसूस करता हूं, इसी के बारे में बात करें। जरूरी तो नहीं तुम क्या सोचती हो, क्या महसूस करती हो, वो भी तो जरूरी है। हम साथ ही हैं पूनम। आज चाचा जी को पकौड़िया परोसते समय
दिल भर आया, बड़ी मुश्किल से आंसू रो पाए। पूनम, मैं तुम्हें अपने कमरे में लाया ये सोच करके तुम्हें अपनी नई कबर्ड, अपनी राइटिंग टेबल, अपना नया कंप्यूटर दिखाऊंगा। कभी ये नहीं सोचा कि तुम अपनी कबर्ड, अपनी राइटिंग टेबल, यहां तक कि अपना सर नहीं भी छोड़कर आ रही सिर्फ मेरे लिए, हमारे लिए। पूनम, मैंने फैसला किया, हम हर साल पूरा एक महीना मधुपुर में बिताएंगे, फिर कोई मुझे घर जमाई कहे तो कहे, I don't care। अच्छा, मैंने सुना है कि शादी की तारीख आते आते लड़कियां कुछ पागल सी हो जाती हैं अपने वेट को लेके। नो क्रैश डाइट्स फॉर यू, 10-15 किलो ऊपर नीचे हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। सहरा सजा के घोड़ी चढ़ के जब तुम आओगे तो जानते हो क्या होगा? क्या? हमारे गली के कई घरों में चूल्हों पे रोटियां जल जाएंगी। क्यों? सारी लड़कियां दूल्हे को देखने छतों पे जा जाएंगी। अरे 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 पूनम, जाने का वक्त हो गया। जी भाभी। भाभी सिर्फ 2 मिनट प्लीज। ठीक है, जल्दी आना। कितनी बातें करेंगे। चलो। पूनम, मन तो करता है तुम्हें जाने ना दो, दिल्ली घुमाओ, सब जगह दिखाओ, लेकिन हम इंतजार करेंगे। तुम्हें भी तो यही सही लगेगा ना? और देखा जाए तो ये सही भी तो कितना है, जब तुम इस कमरे में पहली बार मेरी दुल्हन बनकर आओगी, वो रात इतनी सही होगी कि वहां से देखते चांद सितारे हमारे मिलन के गवाह बनेंगे और हमारे बाद विवाह करने वाले हर जोड़े को हमारी मिसालें देंगे। उस रात इस कमरे में रोशनी नहीं, सिर्फ चांदनी बरसेगी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की पर, जो तब तक सिर्फ मेरी हो चुकी होगी हमेशा हमेशा के लिए। क्या ये सच है पूनम कि तुम जिंदगी भर मेरे दिल के इतने पास रहोगी? और ये भी कि मैं वो खुशनसीब हूं जिसे तुम अपने दिन अपनी रातें सौंपोगी। बस कुछ सामान तुम्हारे लिए, कुछ घर के लिए, चाची जी को दिखा देना, वो समझ जाएंगे। जी भाभी। जी दीरा, जल्दी आना बेटा, इस घर को, हम सब को तुम्हारा इंतजार रहेगा। आओ बेटा। भगत अंकल। हाँ। कोई घर तक छोड़ने की रस्म नहीं होती? होनी तो चाहिए, ससुर जी से पूछो। पूछता हूँ। अरे अरे, क्या बात कर रहे हैं अंकल। चाची जी, ये चाची जी के लिए आज के फंक्शन की वीसीडी। अच्छा चाचा जी। अच्छा बेटा। प्रेम, चाचा जी को विलंब नहीं हो रहा? हाँ। अरे एसी एसी उस तरफ। हाँ, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट नहीं। अच्छा।